अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक हो रही है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक इस वक्त हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में जानकारी लेंगे और तीनों सेना प्रमुख डिटेल में खबर ये है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर जानकारी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो पीएम आवास पर तीनों सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक, अग्निपथ स्कीम की जानकारी दे रहे हैं तीनों सेना प्रमुख। कुमार गौरव इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार गौरव, खबर यह थी कि तीनों सेना प्रमुख के साथ अलग अलग बैठक करेंगे पीएम। देखिए, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और अभी तीनों सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं और अभी बारी बारी से प्रधानमंत्री तीनों से मिल रहे हैं और जाहिर सी बात है अग्निपथ प्रोटेस्ट कर क्या उपाय है। मेरे ख्याल से अभी जो बातचीत होगी उसमें उसके सभी पहलुओं पे चर्चा होगी सेना प्रमुखों और प्रधानमंत्री के बीच। और तीन बजे के आसपास तीनों सेना प्रमुखों की डिफेंस से जुड़े हुए अधिकारियों के, बाकी डिफेंस से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। और ऐसा सोर्सेज के हवाले से ऐसी बात सामने आ रही है कि अभी तक जो फैसिलिटीज देने की बात हो रही थी अग्निवीरों को, जो 4 साल की नौकरी के बाद 25% सेना में ऑब्जर्व किए जाएंगे और 75% बाहर हो गए, जिनको बाहर के कई विभागों में सहूलियत मिलेगी आगे की नौकरी करने के लिए, उसमें और कुछ राहत दी जा सकती है, उसमें और कुछ ऐसे नियम कानून जोड़े जा सकते हैं जिससे कि उन इस योजना को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके और जो विरोध प्रदर्शन है वो कम हो, युवाओं को लगे कि उनके साथ जस्टिस हो रहा है, सिर्फ ये 4 साल की नौकरी मात्र बनकर नहीं रह जाएगी। तो फिलहाल जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं और अभी बैठक चल रही है, क्या होता है अंत तक, क्या फैसला होता है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं तीनों सेना प्रमुखों को और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या रिफ्लेक्ट करता है, इस बैठक के बाद क्या कुछ बदलाव होता है इन चीज़ों में, उस पर नज़र रहेगी। अभी फिलहाल बारी बारी से प्रधानमंत्री मैसूर से लौटे हैं योगा डे कार्यक्रम के बाद और पहली बैठक उनकी जो है यही हो रही है। अभी सेना प्रमुख पीएम आवास पे हैं और बारी बारी से सभी से मिल रहे हैं और मुख्य तौर पर जो आज 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उस पर नज़र रहेगी कि आखिर इस कार्यक्रम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश सरकार कर रही है या नहीं कर रही है, तीनों सेना चीफ क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, इस पर नज़र रहेगी। आप भी नज़र रखिएगा कुमार गौरव, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इसी बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक फॉर अ लॉट रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।